है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एग नहीं फूटता, अंडा नहीं फूटता, तो आपको कंसीव कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। बहुत ही आसान घरेलू उपाय हैं। बहुत सारे लोग दवा ले लेके थक जाते हैं लेकिन इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता कि हमको हमारी बॉडी को कैसे चलाना है। एग रिलीज करने के लिए बॉडी का जो मेकानिज्म होता है, नेचुरल जो बॉडी का नेचुरल मेकानिज्म है, हमको उसको कैसे जगाना है, है ना, एक्टिवेट करना है। तो आज के वीडियो में यही सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब सहेली पे पहली बार हैं, आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि यहाँ मैं डेली एक फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ, जिसकी मदद से बहुत सारी सहेलियों को कंसीव हो रहा है, उनकी कंसीव होने में जो प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व होती जा रही है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पुराने समय में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत नेचुरल थी। उपायों की अगर हम बात करें, अगर आपका अंडा समय से नहीं फूट रहा है, तो उपाय में सबसे पहली चीज आपको करनी है, सबसे पहली चीज आपको अपने रूटीन में अगर ठीक करनी है, तो ये काम करना है कि आपको अपने वजन को नियंत्रित करना है। जब एक महिला का वजन नियंत्रित रहता है, तो उसके हार्मोन्स बिल्कुल रेगुलेट रहते हैं। बढ़ते हुए बहुत ज्यादा वजन या जरूरत से कम वजन होने पे हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जो आगे मैं चीजें बताने वाली हूँ उनका भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपने हर वीडियो में बहुत सारी एडिशनल चीजें भी बताती हूँ आपको साथ में, मेरे सभी वीडियो को आप जरूर देखें। दूसरी बात यह है कि आपको दालचीनी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दालचीनी जो होता है, हमारी ओवरीज जो होती हैं, जो महिला के अंडाशय होते हैं, उसको बूस्ट करता है, उसकी एक्टिविटी को बूस्ट करता है। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसमें एग रिलीज नहीं होता, अंडा नहीं फूटता है, उस स्थिति से आपको निपटने में बहुत ही मदद करता है। अब अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत शुरुआती दौर में है, तो आप दो बार लीजिए, दालचीनी की चाय ले सकते हैं, इस पर मेरा अलग से वीडियो है, आप उसे देखें किस तरह से लेना है और कब लेना है, सब कुछ बताया हुआ है, आप उन वीडियोस में देखें। मैं अपनी सारी बातें, सारे तरीके और वीडियोस में बताती हूँ, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसके अलावा आप अपनी डाइट को इस तरह से डिजाइन करें कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सही होने लग जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट कम होने से आप स्वस्थ रहेंगे अगर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स, जो कि बहुत जरूरी होते हैं कंसीव करने के लिहाज से, क्योंकि बहुत बार हम जब वेजिटेरियन फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन से वंचित रह जाते हैं हम, तो हमको उनको एडिशनली लेना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी बताए, उसमें कई तरह के फूड भी बताती रहती हूँ मैं कि आपको ये खाना चाहिए, इक्वालिटी के लिए क्या खाना चाहिए, और पीसीओडी में क्या खाना चाहिए। लाइव सेशन में भी मैंने बहुत बात की थी पीसीओडी के ऊपर, तो आप सारी चीजों को जरूर देखिएगा। इस और सबसे जरूरी सप्लीमेंट है फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम। ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लेना। तो ओमेगा थ्री फॉलिक एसिड का आप सप्लीमेंट टैबलेट्स भी ले सकते हैं, कि जो प्रीनेटल विटामिन्स डॉक्टर सजेस्ट करती हैं, गायनिक के पास आप अपने दिखाते होंगे तो वहां सजेस्ट करेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलेट बहुत अच्छा होता है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो आपको वो स्वाभाविक रूप से मिलता है, बट प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छी बात है। इसके अलावा विटामिन डी हमको सारे डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, और 10 मिनट का डेली सन एक्सपोजर, डायरेक्ट धूप में आप बैठे, आपके बदन को, शरीर को धूप लगनी चाहिए, जिससे कि विटामिन डी का सिंथेसिस आपके शरीर में होना चालू हो जाए। विटामिन ई, विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, नींबू, संतरा, आंवला, इन तरह की चीजों में होता है, तो इनको आप लें। जिंक और सेलेनियम बहुत जरूरी हैं फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, तो इनके भी सप्लीमेंट जो आप प्रीनेटल विटामिन्स लेते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन का डॉक्टर्स विटामिन देते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा फूड से भी ले सकते हैं, जैसे कि अनाज जो होते हैं उनमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, उनमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सेलेनियम की बात करें तो अंडे में होता है सेलेनियम, अनाजों में भी होता है, दूसरे प्रोटीन सोर्सेज में भी होता है, लेकिन अंडे में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने अपने इक्वालिटी वीडियो में भी बताया है कि अपने एग की क्वालिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको एग खाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गर्म करता है तो आप
कम खाएं, एग्स खाएं, और एक एग तो आपको जरूर ही ले लेना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन डाइट भी आपको काफी हेल्प कर देता है बहुत सारे न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा ओमेगा 3 का सोर्सेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों ही बहुत जरूरी है। ये आपको फ्लैक्सीड में मिल जाता है, ये आपको अखरोट में मिल जाता है। तो ये चीजें आप अपने रूटीन में बिल्कुल शामिल करें अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो। दूसरी बात ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, जो खून का दौरा है, बहुत अच्छा होना चाहिए। जब सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा ना तो फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी हमारी ओवरीज को, है ना। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज पे मैं एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने वाली हूं, जल्दी ही आप लोग के लिए लेके आऊंगी। लेकिन बटरफ्लाई आसन में हमेशा बताती हूं आपको, सूर्य नमस्कार की जो पूरा साइकिल है वो भी बहुत ही यूजफुल होता है। इसके अलावा जिस तरह से आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, कीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहे। कोई योगा करते हैं कीजिए, कपाल भाती, भस्त्र का अनुलोम विलोम भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में टिप्स में बताया है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, एब्डोमन का, लोअर एब्डोमन का पार्ट है, वो सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा तो उसकी एक्टिविटीज बहुत ही सही रहेंगी। इसके अलावा सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप फर्टिलिटी मसाज भी कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज पे मैंने वीडियो बनाया है डेमोन्स्ट्रेट करके कि आप किस तरह से फर्टिलिटी मसाज करेंगे, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। आप उसे जाएं और जरूर देखें। इसके अलावा अगली और अंतिम सबसे जरूरी बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, वो सब दब जाते हैं, उनका सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और सही से जब प्रोटेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम सब तरह से फिट रहते हुए भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस का बहुत रोल है हमारे कंसीव करने से रिलेटेड। आजकल मैं हमेशा आपको एक पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालती हूँ कि फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है, तो उसका टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप उस पर जाएं, रिंग करें और पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके लिए मेडिटेशन आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे उपायों को करने से, अपनी अच्छी डाइट, वजन का नियंत्रण और अपनी बॉडी के सर्कुलेशन, एक्सरसाइज पे अगर आप ध्यान देंगे, तीन जो काम है खास तौर से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अंडे न फूटने की। आपका एग बिल्कुल रिलीज होगा, बिल्कुल रप्चर होगा और आपको सही से कंसीव भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें देखिए। आपकी समस्या से रिलेटेड भी वीडियो हो सकता है, उसे देखिए। और भी बहुत ही जरूरी जो विषय हैं उन पे भी मैं वीडियो लेके आ रही हूं, और बहुत सारी सहेलियों को कंसीव हो है तो उनकी भी स्टोरी आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो इसी तरह यूट्यूब सहेली के साथ बने रहिएगा, जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।